नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया स्वराज 744 XT 4-star ट्रैक्टर। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जुड़ देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वराज 744 XT मार्केट के अंदर काफी शानदार इस ट्रैक्टर ने अपनी पहचान बनाई है और काफी बिकने वाला भी ट्रैक्टर 4-star और 5-star। फ्रंट में आपको शानदार स्वराज की ब्रांडिंग ड्यूल लैंप्स मिलेंगे जो कि बोनेट के अंदर वाली साइड के अंदर भी। ट्रैक्टर की लुकिंग की बात करें इस वाली सीरीज में कंपनी ने ट्रैक्टर का लुक बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया और सेम ही लुक आ रहा है। पुराने जमाने वाले ट्रैक्टर का लुक आ रहा है सेम ही, पर इंजन में काफ़ी कंपनी ने कुछ चेंज किया है क्योंकि ये कंपनी अब अंडर आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के अंदर। तो इंजन इसकी कैपेसिटी काफ़ी शानदार है, इसका खर्च मतलब मेंटेनेंस खर्चा भी काफ़ी कम हुआ है पहले से। पहले ये कंपनी किर्लोस्कर कंपनी के अंडर में आती थी, अब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी नंबर वन कंपनी है ट्रैक्टर ब्रांड के अंदर, नंबर वन पूरी इंडिया के अंदर, और सबसे बिकने वाला ट्रैक्टर भी महिंद्रा का। तो आप उस प्लांट के अंदर ये ट्रैक्टर बनते हैं, इसके इंजन वहाँ पे बनते हैं। तो काफ़ी इस ट्रैक्टर में बदलाव करा गया है और इस ट्रैक्टर ने मार्केट में एक अच्छी अपनी पहचान भी बनाई है। आपको एक शानदार ग्रिप के साथ एक छोटा स्टेयरिंग मिल रहा है जो कि स्वराज की ब्रांडिंग के साथ मिलेगा उसके ऊपर, और स्टेयरिंग पर ही आपको कार जैसा हॉर्न मिलेगा। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखे तो काफ़ी शानदार आपको मिल रहा है, व्यू देखिए काफ़ी शानदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। काफ़ी किसान भाई कहते हैं भाई 4-star और 5-star में मतलब अंतर क्या है। कंपनी 4-star और 5-star वैसे अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है, जो पीछे वाला हिस्सा है 5-star के अंदर वो 855 का लगा दिया गया है, जो उसका जो अपने कई किसान भाई चूल्हा कह देते हैं उसको 855 का उसमें हिस्सा लगा दिए, जो बड़ा लगा दिए इसमें वो नहीं है। इसमें 744 में आपको 4-star के अंदर छोटे वाला मिलेगा और बाकी ट्रैक्टर में सेम है। कई बार कंपनी HP पावर भी कम बता देती है, वो टैक्स कम करने के चक्कर में थोड़ा बता देती है, पर बाकी दोनों ट्रैक्टर में 4-star और 5-star में सब कुछ सेम है, CC पावर सब कुछ। फ्रंट में आपको एडजस्टेबल एक्सल मिलेगा, आपकी सुविधा अनुसार आप एक्सल को सेट कर पाएंगे। 4-star ट्रैक्टर है, रिवर्स PTO का आपको इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है। आपको यहाँ पे पंप मिल जाएगा हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग का दोनों का। 3 सिलेंडर पावर मिल ट्रैक्टर है ये, बॉसच कंपनी का इंजन पंप रहेगा और 50 horsepower का इसका इंजन रहने वाला 3478 CC पावर के साथ। और इसका प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म स्वराज कंपनी ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा है, सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स होने के बावजूद भी इस ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं लगता है, एकदम शानदार प्लेन प्लेटफॉर्म जैसी फीलिंग आती है। पीछे गुडियर के टायर आपको देखने को मिलेगा। पीछे वाला टायर की साइज़ की बात करूं तो 14/28 का पीछे वाला टायर का साइज़ मिलेगा। XT का मतलब इस ट्रैक्टर में XT का मतलब नोडल नेम नहीं है, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा टॉर्क। आपको इस ट्रैक्टर में कंपनी एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोवाइड करा के दे रही है। फ्रंट में 6/16 और 7/50/16 का दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको 2000 इंजन रेटेड RPM 3478 CC पावर, सीसी पावर इस ट्रैक्टर में 855 FEC भी ज़्यादा आपको सीसी पावर मिल रही है। इंजन रेटेड RPM की बात करें तो 2000 इंजन रेटेड RPM है। 3 stage इसमें आपको एयर क्लीनर मिलेगा जो कि वेट एयर क्लीनर मिलेगा। 44 HP की PTO पावर रहने वाली है। कॉन्स्टेंट मैस और स्लाइडिंग मैस टाइप का दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन का आपको गियर बॉक्स मिलेगा। सिंगल और ड्यूल क्लच का आपको ऑप्शन रहेगा, आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। 8 forward और 2 reverse गियर ट्रैक्टर में आपको मिलेंगे। मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग का आपको ट्रैक्टर में आपको ऑप्शन रहेगा, आप मैकेनिकल लेना चाहे तो मैकेनिकल ले सकते हैं, पावर स्टीयरिंग लेना चाहे तो पावर स्टीयरिंग ले सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन कंपनी ने आप जो कलर आ रहे हैं ट्रैक्टर में डार्क एडिशन कलर करा है, मतलब थोड़ा कलर डार्क करते हैं, पहले फेडेड कलर आते थे और इस ट्रैक्टर में मेटेलिक पेंट करा गया जो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जो पहले ट्रैक्टर आते थे उसमें फेडेड पेंट होता था, वो ख़राब जल्दी हो जाता था और ट्रैक्टर भी बिल्कुल लुकिंग में शानदार नहीं लगता था। इसमें आपको ट्रैक्टर काफ़ी शाइनिंग मारता हुआ दिखेगा। ट्रैक्टर में आपको 540 मल्टी स्पीड विद रिवर्स PTO आपको देखने को मिलेगी। और इस ट्रैक्टर में पीछे के हिस्से की बात करूँ तो इस ट्रैक्टर में आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलता है 4-star और 5-star में, पीछे वाला हिस्सा। उस 5-star में आपको 855 का पीछे वाला हिस्सा मिल जाएगा, इसमें आपको मतलब सिंपल जो आपको 744 में मिलता है वो आपको मिलेगा। पीछे एक रिफ्लेक्टर बोतल होल्डर और एक ट्रैक्टर में आपको रिचार्ज का भी एक बॉक्स मिलेगा, आप अपना फ़ोन चार्ज लगा के बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। रोड मिल जाएगी जिससे ट्रैक्टर पीछे से वाइब्रेट बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिल रहा है, रात को कहीं जा रहे हो तो ट्रॉली में के लाइट लगानी है तो आप लगा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेके। 3 sensing power मिल रही है जो आपने इंप्लीमेंट अगर जोड़ के लगा सकते हैं अपनी मिट्टी के हिसाब से। ट्रैक्टर में डबल डिस्ट्रीब्यूटर आपको DC वॉल मिलेगी जिसमें आप आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी के उपकरण आ रहे हैं जैसे लेजर हैरो कंप्यूटर ग्राफ वगैरह और मिनी JCB वगैरह आ रही है तो आप उनको जोड़ के बना सकते हो। डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर का कुल वजन बिना बोनेट के बिना आगे बंपर के 2070 kg का है और व्हील बेस 2096 mm का और लंबाई 3342 mm, चौड़ाई ट्रैक्टर में 1945 mm की। ट्रैक्टर का लिफ्टिंग क्षमता की बात करूँ 1700 से लेके 2000 kg तक वेट उठा लेता है। 1700 kg तो कंपनी बताती है, 2000 kg तक तो 50 horsepower ट्रैक्टर आराम से वजन उठा ही लेता है।
और इस ट्रैक्टर में आपको सिर्फ 2WD का ऑप्शन रहेगा, 4x4 का ऑप्शन नहीं रहने वाला। ट्रैक्टर की इसकी वारंटी की बात करें, जो ब्रांड वारंटी मिलती है 2000 घंटे और 2 साल की आपको इसमें वारंटी मिलने वाली है। और इस ट्रैक्टर का प्राइस की बात करूँ तो प्राइस हर स्टेट का प्राइस सेम नहीं होता, अलग अलग राज्य के हिसाब से प्राइस चेंज रहता है, तो मैं आपको एक फिक्स प्राइस नहीं बता सकता, इसके बीच में प्राइस रहता है। 6,98,000 से लेकर 7,50,000 तक इस ट्रैक्टर का प्राइस पड़ जाता है। मैं वापस कहता हूँ कि प्राइस ट्रैक्टर का सेम नहीं रहता, हर जिले के हिसाब से टैक्स पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग आपका प्राइस रहने वाला है। ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है, एक बार मैं ट्रैक्टर का फिर से मिनी रिव्यू कर देता हूँ। 3 सिलेंडर पावर ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर में आपको 50 हॉर्स पावर इंजन मिलेगा, 3478 cc के पावर, एक शानदार एडजस्टेबल एक्सल जो आप अपनी सुविधा के अनुसार सेट कर पाएंगे। ये फंक्शन मुझे सबसे अच्छा लगता है, किसान भाई अपना एक्सल सेट कर लें, काफ़ी का मददगार रहता है। 3478 cc पावर मतलब स्वराज 855 FE के अंदर भी आपको 3478 cc पावर नहीं मिलती, उसमें 3308 पता नहीं इतनी कुछ मिलती है। 2000 इंजन रेटेड RPM इस ट्रैक्टर में आपको मिलने वाला है। इस ट्रैक्टर में आपको 3 स्टेज वेट एयर क्लीनर टाइप का इसमें आपको एयर फिल्टर मिलने वाला है। ट्रैक्टर में बोर की और स्ट्रोक की बात करें, 110 mm के ट्रैक्टर में आपको बोर मिलेगा और स्ट्रोक 122 mm का आपको स्ट्रोक मिलने वाला है। 44 हॉर्स पावर की PTO हॉर्स पावर पावर है इसमें। ट्रैक्टर में कॉन्स्टेंट मैस और स्लाइडिंग मैस गेयरबॉक्स का कॉम्बिनेशन करके इसमें आपको गेयरबॉक्स मिलेगा। लुकिंग देखिए ट्रैक्टर की, काफ़ी अद्भुत लुक और शानदार लुक। वाटर सेपरेटर भी मिल रहा है, अगर गलती से डीजल टैंक में पानी चला जाए तो पानी अपने आप सेपरेट हो जाएगा। ड्यूल डीजल फिल्टर मिल रहे हैं। ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग का भी ऑप्शन रहेगा। इस ट्रैक्टर में आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ, जो 50 से लेकर 60 लीटर के बीच में रहती है सभी ट्रैक्टर में, जो 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी के ट्रैक्टर रहते हैं उनमें। और ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलेंगे। ट्रैक्टर में 540 चक्कर मिलेंगे आपको इसमें, मल्टी स्पीड विद रिवर्स PTO के साथ। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो काफ़ी शानदार है इस ट्रैक्टर का। पीछे सीट के जस्ट नीचे आपको ट्रांसपोर्ट लॉक मिल जाएगा, जो पीछे लगे इंप्लीमेंट को आप लॉक कर सकते हैं। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ट्रैक्टर में इस ट्रैक्टर ने काफ़ी एकदम स्पीड पकड़ी है, जब से ट्रैक्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास आया, ट्रैक्टर ने मार्केट में वापस से अपना जगह बनाना शुरू कर लिया। 1974 के अंदर इसने अपना पहला ट्रैक्टर लॉन्च किया था, जो कि सब मतलब उस ट्रैक्टर में सब चीज़ भारत की यूज हुई थी, कोई भी विदेशी चीज़, एक रबड़ बैंड भी कोई विदेश का नहीं लगाया था, सब कुछ भारत का लगा था उस ट्रैक्टर में, मेड इन भारत ट्रैक्टर था वो। ट्रैक्टर में आपको जो इसके मीटर मिल रहे हैं वो एनालॉग टाइप के, पुराने जमाने वाले टाइप के इसमें मीटर मिल रहा है, डिजिटल मीटर आपको नहीं प्रोवाइड कराई। तो कंपनी की मुझे सबसे गंदी बात लगी, ट्रैक्टर में अभी तक बिल्कुल चेंज नहीं किया इसका मीटर वगैरह, तो ये चीज़ कंपनी को देखनी चाहिए। और 2070 kg ट्रैक्टर का कुल वजन है। लंबाई ट्रैक्टर में 3342 mm की लंबाई है। लिफ्टिंग क्षमता 1700 से लेकर 2000 kg तक लिफ्टिंग क्षमता है। और आप कलर देख लीजिए, काफ़ी शानदार एक ब्राइट लुक के साथ आपको कलर मिल रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी और ट्रैक्टर के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नई नई वीडियो देखने के लिए।